हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि पीएम किसान योजना के जो यहाँ पर पैसे अमाउंट अटक जाते हैं उसके यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको नियम बताऊंगा किस वजह से यहाँ पर अटक जाते हैं, किस रीजन से आपके यहाँ पर पैसे अमाउंट में जैसे कि बैंक अकाउंट में नहीं आ रहे। तो आपके भी अगर यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे या फिर किसी भी कारण में अटके हुए हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आने वाली सभी पूरी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको पता चल जाए आखिरकार किस कारण से आपके यहाँ पर पेमेंट नहीं आ रहा, 2000 रुपये की यहाँ पर किस्त नहीं आ रही। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना के जो 2000 रुपये की किस्त है उसको चेक करने का पूरा स्टेटस मैंने वीडियो बना रखा है, किस तरीके से स्टेटस चेक करें उसके बारे में पूरी XYZ मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आपको नहीं आता है चेक करना तो गाइस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे वॉच कर सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पर पहला जो यहाँ पर रीज़न है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कई रीज़न इसमें आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला रीज़न है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की अगर नाम में मिस्टेक है तो गाइस आपको इस वजह से भी यहाँ पर अटक सकते हैं, जैसे कि आपने अप्लाई किया था फॉर्म उसके अलावा आपके आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है, तो दोस्तों इस वजह से आपकी यहाँ पर पीएम किसान की यहाँ पर किस्त अटक सकती है। इसके साथ साथ में और क्या चीज़ है इसके बाद में आपको बताऊँ, अकाउंट नंबर और यहाँ पर अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर गलती होने हो सकता है इसका नंबर। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अकाउंट नंबर यहाँ पर मिस प्रिंट यहाँ पर आपके हो गए या गलती से किसी भी अकाउंट नंबर आपका गलत डल गया है तो गाइस इस वजह से भी आपका अमाउंट यहाँ पर रोका जा सकता है। इसके साथ साथ आपकी और यहाँ पर बता दूं कि इसके अलावा बैंक खाते का नाम और आधार कार्ड में नाम अगर मिसप्रिंट हो, यानी एप्लीकेशन से भी प्लस बैंक अकाउंट में भी आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का नाम आपके अगर अलग अलग है तो दोस्तों इस वजह से भी आपका रोका जा सकता है। इसके साथ साथ में कई रीज़न जैसे कि आपका IFSC कोड नंबर मैच नहीं खा रहा तो गैस आपके IFSC कोड नंबर अगर फिल करने में गलती हो चुकी है तो गैस इस वजह से भी आपके यहाँ पर पीएम किसान योजना की जो जैसे कि 8वीं किस्त यहाँ पर आ चुकी है तो आपकी 8वीं किस्त या फिर पिछले की कई किस्तें आपकी रुक चुकी होगी। तो गाइस इस तरीके से ये गलती होने पर आपके यहाँ पर नहीं आ पा रही अभी पीएम किसान की किस्त। तो गाइस आपको इन गलतियों को सभी को सुधार लेना है। आपका नाम में किसी भी आधार कार्ड में सेम नाम होना चाहिए, बैंक अकाउंट में सेम नाम होना चाहिए, इसके साथ साथ अकाउंट नाम आपका क्रिए अच्छे से अकाउंट नंबर वो फिलअप किए होने चाहिए, इसके साथ साथ में IFSC कोड नंबर सही होने चाहिए। तो गाइस सभी ये डिटेल मैंने जो भी बताई है वो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक करके जो भी आपकी गलती है वो सुधार लीजिए। इसके साथ साथ में आपने आधार कार्ड अपडेट यहाँ पर नहीं करवाया तो दोस्तों अपडेट करवा दीजिए, रिस्क अपडेट कराने के साथ साथ में वेरीफाई भी किया जाता है पीएम किसान योजना के अंतर्गत। तो गाइस आधार कार्ड भी वेरीफाई करवा दीजिए जिससे आपकी किसी भी किस्त को मतलब पूरी किस्तें आपके आ जाए। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।